गाइस, वेलकम टू प्रांचल यूनिवर्स। आप सबका स्वागत है। दिवाली आ चुका है फाइनली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और देखते हैं अभी क्या क्या होता है अभी सब। तो दिवाली में सबसे मेन क्या होता है? लाइट्स। लाइट्स होना बहुत जरूरी है, तभी लगता है कि दिवाली है। तो दिया तो कल चलेगा क्योंकि कल है दिवाली। और आज हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं घर का, सबको डेकोरेशन करने में लगा रहता है। तो अभी हम लोग के घर में लाइटिंग लग रही है, तो अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे हम लोग लाइटिंग लगा रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे इस बार हम लोग, लेकिन फिर धीरे धीरे करके सेट हो गया सब कुछ। तो मम्मी पापा ने अभी बाहर गए हुए हैं और अभी ये वाला लाइट मैं देखती हूँ यहाँ पे बालकनी में लगा पाती हूँ कि नहीं। तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए ना, दिवाली का लाइट जलाने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर लगा तो फिर पता चलता है नहीं जल रहा है ना, तो इतना बड़ा वाला मूड खराब होता है कि मत पूछे। इसलिए सबसे पहले इसको देखते हैं ये वाला जल रहा है कि नहीं जल रहा है, उसके बाद फिर लगाना स्टार्ट करते हैं। आय हाय, इतनी खुशी की मैं क्या बताऊं। चलो जल रहा है वाला लाइट। इस लाइट को लगाने में मेरा पूरा बैंड बज गया। इतना घटिया उलझा हुआ था, इतना घटिया उलझा हुआ था ना, इसको आधा घंटा सुलझा दिया एंड फाइनली लगा दिया है मैंने। इसमें कुछ कुछ लाइट ऑफ हो गया, लेकिन चलेगा, अच्छा ही लग रहा है देखने में। पापा का फैक्ट्री की तरफ से मिलता है स्पेशली, हर साल कुछ ना कुछ मिलता ही है। इस बार देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है भाई। इटली पॉट है मम्मी। हाँ, इटली पॉट दिया है। हम लोग घर में वैसे भी बहुत लोग हैं इटली फैन। निकालो ना जल्दी। कितना सेट है, कितना पीस है? चार सेट है। अच्छा है, फैमिली भी बढ़ रहा है ना। फैमिली बढ़ रहा है। हाँ, फैमिली भी बढ़ रहा है तो इटली पॉट भी बढ़ रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या देख लेते हैं, इसमें है टाइटन का कुछ सामान है। और अंदर खोलने के बाद ये निकला टाइटन का घड़ी। अब बड़ा अच्छा घड़ी है, इसमें डेट भी लिखा रहा है, आज है 30 तारीख, तो 30 तारीख लिखा रहा है। मस्त अच्छा है, ब्राउन कलर का, बहुत सुंदर लग रहा है दिखने। खोलो मम्मी, दे जल्दी खोलो मम्मी। हरी तलवार, नया चीज है सॉफ्टी बाइट्स। ये काजू जो रखने वाला बॉक्स है, खोलो दिखा अंदर कैसा है। डिब्बा तो बहुत अच्छा है, इसमें मैं अपना मेकअप का सामान रखूंगी। ड्राई फ्रूट्स अलग अलग था। हाँ, लेकिन सब मिल गया। मिक्स हो गया है। चार एक पास 5 तरह का ड्राई फ्रूट्स है, सब मिक्स हो गया है। ये अखरोट जो है सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे बस। और सूखा हुआ है, नो शुगर स्वीट, शुगरलेस स्वीट है ये वाला। दीपावली में इतना मिठाई आ जाता है ना कि मैं खरीद के तो कभी नहीं लाती हूँ। मस्त आइटम लग रहा है, नया टाइप का इस बार मिठाई आया, देखा जाएगा टेस्ट करके कैसा। इसमें गुलाब फूल डला हुआ है, पिस्ता है, सब अलग अलग चीज, सब अलग अलग, सारा ड्राई फ्रूट्स मिक्स है। और ये गुलाब, ये ड्राई फ्रूट स्वीट है, लेस स्वीट है और बहुत प्रीमियम लग रहा है। खाने के बाद पता चलेगा कैसा लग रहा है। पापा है वहाँ पे, तो मम्मी लोग लाइट लेके आ गई है। अब हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं येलो वाला। तो हमने पापा यहाँ पे लाइट को कनेक्ट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जलना शुरू हो गया। कुछ कुछ उधर नहीं जल रहा है और इधर नहीं जल रहा है, तो इसको कनेक्ट कर रहे हैं पापा। लाइट लगाते लगाते बैंड बज गया एंड फाइनली लग गया लाइट। पूरा पीला सा लगाने की सोच रहे थे, लेकिन ये वाला लाइट जो वेस्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग इधर लगा लिए। अभी यहाँ पे ब्लैक ब्लैक भी है, जिसको अभी कनेक्ट करना बाकी है। पापा थक गए हैं तो अब कल करेंगे इसको। क्या कर रही है तुम? क्या बोल रही है? एंग्री बट फोड़ रही है मम्मी, सफाई कर करके हालत खराब है। दिवाली बीत गया, मन अभी जो दिवाली का सफाई कर रहा है। तुमको आँख को ब्लिंक नहीं करना है, एक बार भी ब्लिंक हटो हटो तो नगर को ब्लिंक नहीं करना है, ठीक है? बजेगा तो मम्मी। तो रात में पूरा एंग्री बर्ड के साथ मस्ती कर रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। और फिर सुबह सुबह उठे, मम्मी पापा जल्दी उठ गए थे और सिया भी आ गए थे, तो सुबह सुबह सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा जो भी होना रहता है घर में हो गया। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं था, इसलिए मैं जल्दी नहीं उठी थी। और अभी मम्मी गई है नहाने के लिए, फिर मम्मी पूजा का तैयारी करेगी, मुझे तोरण वगैरह सब चीज बनाना है। और सबसे पहले मैं खाना बना के रख दे रही हूँ, क्योंकि खाना बन जाएगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो खाना में आज बना रहे हैं तड़का पुलाव। तो यहाँ पे तड़का को बॉईल करके रखे हैं, ये सब कट करके रखे हैं, धनिया पत्ता, चावल को भिंगो के रखे हैं। इसमें ना एक नया चीज मैं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ आंवला का मीठा वाला अचार। तो रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। आंवला का सीजन चल रहा है, आंवला अभी मार्केट में मिल रहा है। तो आंवला वैसे बहुत ही ज्यादा गुणकारी होता है, बहुत ही सारा चीज होता है उसके अंदर, खाना चाहिए आंवला। तो आंवला को अभी मैं बॉईल कर रही हूँ और चटनी जो बनाऊंगी वो आपके साथ शेयर भी करूंगी। ये रहा सारा फूल, इसको निकाल के रखे हुए हैं, यहाँ पे रंगोली निकाल के रखे हैं। अभी और भी कलर्स इसमें निकालना बाकी है। रूम वूम भी पूरा साफ हो चुका है, सब चीज सेट हो चुका है। अभी बाहर में रंगोली भी बनाना है क्योंकि बहुत ज्यादा धूप है, इसलिए अंदर का काम निपटा लेते हैं। तब तक में क्या होगा, धूप भी चला जाएगा, उसके बाद फिर बाहर में जाके काम करेंगे। पहले खाना बनाने वाले हैं। आंवला का सबसे बेस्ट बात लगता है ना कि इसको बॉयल करो तो ये बहुत ही इजिली निकल जाता है, लेकिन आप काटने बैठोगे तो पूरा बैंड बच जाएगा। तो इसको मैंने बॉयल कर लिया और इसको अलग अलग करते हैं। मम्मी आ चुकी है नहा के, यहाँ पे अभी जल दे रही है तुलसी जी में। तो फटाफट ना मैं सावर लेके आ गई, अभी मम्मी को मैंने दिखाया, मम्मी पूजा कर रही है, मम्मी भी आ गई है सावर लेके। यहाँ पे पुलाव बन चुका है और यहाँ पे तड़का तैयारी हो रहा है। पापा को कुछ कुछ सामान लाने के लिए बोली थी मम्मी, और पापा आ चुके हैं। देखते हैं क्या क्या लेके आए हैं। क्या लेके आए मेरे डैडी जी? लो के जाओ। पान लाए। पान लाए? क्या लाए? कच्चू का पत्ता लाए हैं डैडी जी, पूछा है। अमन को हम लोग बोले थे कमल फूल लाने के लिए, 80 रुपए का कमल फूल वो लेके आया, वो भी एक लेके आया। इतना मतलब कि उसको इतना आइडिया नहीं है मार्केटिंग का। पुलाव और तड़का तो मेरे रेडी हो गया, अब मैं बनाने जा रही हूँ चटनी, अचार मतलब कि आंवला का। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और यहाँ तड़का में मैंने निकाला है मिर्ची, मेथी, जीरा, सरसों। तो ये फ्राई हो चुका है, लगभग मैंने 5-6 मिनट इसको फ्राई किया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, लाल तीखी मिर्च है, ब्लैक सॉल्ट। अब ये फ्राई होने लगा है एंड इस पॉइंट पे ना एकदम अचार मला स्मेल इसमें आने लगा है, एकदम खट्टा खट्टा अचार के जैसा स्मेल होता है। इसमें मैं चाट मसाला भी डालूंगी, लेकिन थोड़ा चीनी डालना है या फिर गुड़ डालना है। आपको चीनी डालना है तो चीनी भी डाल सकते हो, गुड़ डालना है तो गुड़ भी डाल सकते हो। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्या डालूंगी मीठा करने के लिए, उसके बाद फिर मैं डालूंगी चाट मसाला। तो फाइनली मैंने चीनी डालने का सोचा है, तो चीनी मैं डाल रही हूँ। मैं एक कटोरा जैसे चीनी में डाल दी, ये मैंने लास्ट में डाल दिया इसमें चाट मसाला। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैंने पानी वगैरह नहीं डाला, चीनी डालने के बाद एंड चाट मसाले के बाद ये रेडी हो चुका है, लेकिन इसको भी स्लो गैस में छोड़ देंगे ताकि चीनी पिघल जाए और उसके बाद फिर लास्ट में निकाल लेंगे उसको, किसी जार में रख लेंगे, जो भी जार में आपको रखना है, ग्लास के जार में अच्छा रहता है, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं इसे आप 10 दिन के लिए। ये देखिए, तो इसमें मैंने एक भी पानी नहीं डाला है, उसको पका रही हूँ अभी। तो टोटल में इसको 15 मिनट पकाना है, उसके बाद जार में आप डाल सकते हो। फेंको नहीं, थोड़ा फेंको। नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा फूटा। जोर थी मैं कहानो। खाना तो मैंने खा लिया, बट टेस्टी खाने बना था। अब दिखाते हैं आपको घर में क्या क्या तैयारी चल रही है। यहाँ पे मम्मी मियां को भिगो रही है पानी में, पहले धो रही है फिर भिगो देगी। मम्मी मेरा फुल मस्त रेडी है। क्या मम्मी मेरा सूट क्यों पहनी हुई है? माँ टू इन वन मम्मी का सूट था जो मैंने पहना था। मेरे पापा जो है तोरण बना रहे, एकदम ना खूबसूरत डिजाइन बनाया है ना। अभी हम लोग यही मार्केट में लेने जाएंगे तो कितना पैसा लगेगा, घर में बैठे बैठे आदमी बना सकता है। पूरन बन के अभी गेट पे लग गया है और अब जा रहे रंगोली बनाने के लिए काफी। अब जो है 7 बजे से मुहूर्त है, अभी जल्दी जल्दी रंगोली बनाना है। सारा हो चुका है काम, अब रंगोली बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे सारा कलर निकाल लिए हैं और भी इसमें पिंक कलर नहीं था, कल पिंक कलर ये सब लेके आए। अब देखते हैं कैसा बनाते हैं। वैसे हम लोग रेडीमेड ही बनाते हैं, करेंगे अपने से बनाने का। लेकिन मैंने सोचा था ना कि मैं उसे बना दूंगी रेडीमेड वाला, लेकिन फिर मैंने हाथ से बनाना स्टार्ट किया। यहाँ ये रेडीमेड वाला का यूज किया है मैंने और अभी हाथ से ही बना रहे हैं। देखने में बाप रे, आज पहली बार अमन जो है ना दिवाली में दिया जला रहा है और रुई लगा रहा है। जला है लेकिन इस बार तुम मतलब स्पेशली तुम ही जला रहा है ना, दिया में तेल डाल के और ये करके।
दिया वगैरह जल गया है, अभी पापा को खाना देके अमन को भी खाना खिला के आ चुके हैं। अब जाते हैं ड्रेस पहनते हो तो फिर दिखाते हैं फिर आपको मेरे दिवाली का ड्रेस। जल्दी से तैयार होते हैं, फाइनली फ्री हुए। फोटो क्लिक हो रहा है ना, ऐसा फोटो क्लिक कर रहा है ये, 50 क्लिक हो चुका है, डीप बम है भाई। लेकिन काफी देर तक जल रहा है, काफी देर तक चल रहा है। ये कौन सा पेपर वाला है इसको देखते एगो बम के बारे में बोल रहा था ना कि इसको फोड़िएगा तो पूरा कचरा जैसा हो जाएगा, इसको फोड़े समझा, देखो कैसा कचरा जैसा हो गया। तब बना रहा है हॉट चॉकलेट, इसमें क्या डाला है, डेयरी मिल्क ना, लेकिन दूध तो हॉट नहीं है। चॉकलेट बनाया, इसमें डेयरी मिल्क डाल के रखा था, पता नहीं क्या हुआ, अवन में रखा दूध ही फट गया। मम्मी यहाँ पे कर रही है घर घुंडा का पूजा, मैं नहीं कर सकती हूँ गर्ल्स प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए मम्मी मेरा पूजा कर रही है आज। तो ये पूजा किस लिए होता है मम्मी जल्दी बताओ। ये लड़की लक्ष्मी होती है, अपना माँ बाप का घर भरा रहे, हाँ इसलिए पूजा करती है। हाँ तो ये घर घुंडा बना हुआ है, ये पिछले साल का ही घर घुंडा है, लेकिन गंगा जल से धो के उसके बाद कर रहे हैं इस बार पूजा। यहाँ पे ना मम्मी 5 को कप में निकाल रही है धान और ये, और ये घर के अंदर डाला जाता है घर के अंदर, ताकि घर में एकदम बढ़ती होते रहे, घर भरा पूरा रहे। उसके लिए अच्छे से डालो मम्मी, भर भर के डालना, बढ़िया से एकदम भर के गिरते रहना चाहिए, ऐसा होता है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, भर भर के गिरे। यहाँ पे ना लक्ष्मी पूजन मम्मी यही पे रैक पे ही करती थी पहले, लेकिन मंदिर में, लेकिन आज मम्मी थोड़ा उधर साइड में एकदम अच्छे से स्थान बना के की है, इधर फूल लगाई है, यहाँ पे फूल वगैरह सब लगा दिए। झाड़ू का पूजा करना मस्ट होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू का पूजा की है, बड़ा सुंदर मम्मी सजाई है। फिर ये हमारे गणेश लक्ष्मी की ये वाले जो है ये पिछले साल के हैं, और ये नए साल के, ये सारे लाई है नया साल के, बड़े ही सुंदर है, एकदम नाच नक्श बहुत ही मतलब डिफाइंड वे में दिख रहा है। लक्ष्मी माँ को बहुत पसंद है सोना चांदी ये सब, तो मम्मी सब चीज चारों साइड लगा के रखी है, जो जो उनको पसंद है वो जरूर सामने में रखना चाहिए, अर्पण करना चाहिए भगवान को। और यहाँ पे फल चढ़ाई है, लावा धान लावा, ये तो हम लोग का मस्ट है धान लावा चढ़ाना। और यहाँ पे दिया, ऐसे तो ये सारा मिठाई जो है नॉर्मल है, लेकिन बतासा बहुत मेन होता है दिवाली में, इसका भी एक अलग ही मजा होता है। बचपन में बतासा ही बहुत मजा आता था, अभी भी बतासा खाने में दिवाली के टाइम में एक बतासा मुंह में चला जाता है, मस्त होता है।
दिख रही। वीडियो बना रहे हो तो कल पूरा बैंड बज गया दिवाली में। बाबा रे बाबा, बहुत थकान हो गया था। और कल हम लोग उतना ज़्यादा क्रैकर्स वगैरह भी नहीं फोड़े, सो गए थे जल्दी। उसके बाद अभी उठे हैं और अभी मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देती हूँ कि हमने धनतेरस में कौन क्या लिया था। मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है भगवान का, स्थान भगवान को अपने स्थान पे रख दी। और ये कटोरा लिया आया था धनतेरस में, दिखा माँ। पीतल का, पीतल का है। ये लिए थे, छठ में जरूरत है। और ये छनोटा लिए, छनोटा छोड़िए। धनतेरस से एक दिन पहले ये दो थाली लिए थे, ये सब छठ में काम आएगा उसके लिए। तो क्या होता है कि जो चीज़ खरीदते हैं धनतेरस पे, उसमें भोग लगा देना चाहिए भगवान को। अगर कोई बर्तन लिए हैं, दिया लिए हैं, तो जला देना चाहिए उस दिन। इसलिए मैं इसी में भोग लगाई थी। मतलब हम लोग से पता चल रहा कि हम लोग हाथ लग पूरा खराब हो गया। पता नहीं कल बहुत ही ज़्यादा थकान हो गया था। लास्ट दिवाली में, मतलब कि हम लोग लगता है 10-15 दिन से घर का साफ सफाई कर रहे थे, लेकिन लास्ट में इतना सारा काम निकल के आ गया ना अचानक से, कि एक बैग बहुत सारा काम हो गया था। तो आज तो दिन भर रेस्ट करेंगे और हो सकता है रात में मूवी भी देखने जाए। भूल भुलैया 3 आया हुआ है, तो हो सकता है जाएं आज देखने के लिए। उसके बाद फिर कल से हम लोग का शॉपिंग स्टार्ट होगा। कल से छठ का शॉपिंग कल से स्टार्ट होगा ना माँ, छठ का शॉपिंग। कल भर रेस्ट करेंगे हम लोग, एक और दिन रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि छठ में अभी और बैंड बजने वाला है। तो छठ में हम लोग शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। एंड ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, एंड मेरे चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय गाइज़।